राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही पालनहार योजना के सफल क्रियान्वयन तथा योजना प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण हेतु जिला कलेक्टर के निर्देश पर सोमवार को नगर परिषद सभागार में फ्लैगशिप पालनहार योजना के तहत दो दिवसीय विशेष अभियान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रोग्रामर गुंजन मोतियानी, बाल विकास विभाग के अधिकारी नितेश यादव, समाज कल्याण विभाग अजमेर के गौतम, महिला पर्यवेक्षक कविता डाबी, चंद्रकांत सहित अन्य अधिकारियों ने शिरकत की। शिविर के दौरान पालनहार योजना के तहत चिन्हित बच्चों के लिए सत्र 2022-23 के लिए पालनहार योजना के प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण किया गया। साथ ही पूर्व में आवेदित आवेदनों का कराकर भी निस्तारण किया गया। शिविर में उपस्थित अधिकारियों ने पूर्व में जारी किए गए प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच करते हुए निर्धारित उम्र से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्रों को निरस्त भी किया। परिषद सभागार में आयोजित शिविर में शहरी क्षेत्र के 45 वार्डों के निवासियों ने शिरकत कर प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण और निस्तारण करवाया। महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी नितेश यादव ने बताया कि शिविर में 500 से अधिक आवेदनों का अवलोकन करते हुए नवीनीकरण तथा निस्तारण किया गया। मालूम हो कि राज्य सरकार ने माता पिता की मृत्यु के पश्चात परिवार में बच्चे नाबालिग बच्चों को भरण पोषण के लिए पालनहार योजना का संचालन कर रही है। योजना के तहत 18 वर्ष की आयु तक बच्चों को राज्य सरकार की ओर से निर्धारित राशि का भुगतान किया जाता है। 18 वर्ष से अधिक की आयु होने के बाद संबंधित बच्चों का नाम उक्त योजना से हटा दिया जाता है। आज नगर परिषद सभागार के अंदर मैं सीडीपीओ नितेश यादव, मुझे वार्ड 51 से 60 तक का दायित्व सौंपा गया। इसमें जितने भी पालनहार के पंजीकृत लाभार्थी हैं उनका रिन्यूअल के लिए या पेंडिंग फॉर फाइनल सर्विस, दो प्रकार के ऑप्शन हैं। उसमें जो पेंडिंग फॉर फाइनल सबमिशन है उसमें मैं जो संबंधित व्यक्ति हैं वो उनको ई मित्र पर भेजकर अपना केवल हम इम्प्रेशन से वो फाइनल सबमिट करते हैं। बाकी जो रिन्यूअल वाले हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत हो या स्कूल में, उनको उनका अपना कंटिन्यूएशन का प्रमाण पत्र लेके आना होगा। जैसे मेरे डिपार्टमेंट के दिन बात करूँ तो आंगनबाड़ी केंद्र में कहाँ पंजीकृत है वो, उसका जो 3 से 6 साल वाले बच्चे हैं या 0 से 6 तक के वो वहाँ से लाएंगे। बाकी 6 से ऑनवर्ड्स जो हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो उनको वहाँ से रेगुलर 22-23 का अध्ययन प्रमाण पत्र लाने पर उनकी ये रिन्यूअल पेंडेंसी खत्म हो जाएगी। इस प्रक्रिया के लिए हम बैठे हैं यहाँ पर और इसमें अप्रोक्स 500 हैं। सोशल जस्टिस से और ICDR ये पूरे 60 वार्डों के लगभग 500 के आसपास फॉर्म प्राइम ऑफिसर जैसे लिस्ट में उनका काम होता है छुट्टी दे रखी है। मित्र और मित्र से किया कि जो हो जाए।